आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज हिंदी टू इंग्लिश। चलिए हम सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, यदि आपको टेंस के रूल्स ना पता हों तो। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें हिंदी में पता होनी चाहिए। जैसे इस टॉपिक में देखें, आपको संज्ञा पता होनी चाहिए और सर्वनाम। इसके बाद सेंटेंस में यदि ने आ जाए तब आप जो मैं रूल पढ़ाऊँगा उस रूल के थ्रू आप हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। संज्ञा का मतलब समझ लें, किसी का नाम दिया हो, जैसे राम, प्रिया, मोहन, रोहन। ठीक है, राम दिया हो, प्रिया दिया हो, मोहन दिया हो, रोहन दिया हो, तो ये संज्ञा होती है, किसी का नाम दिया हो। वहीं सर्वनाम में सभी का नाम आ जाए तो वो कैसे आएगा, जैसे राम की जगह वह यूज हो जाए, उसने, ये सर्वनाम में आते हैं। तुम, मैं, ठीक ना, हम, ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर ऐसा लिखा, वह लिखा, उसने लिखा, तुम लिखा है, मैं लिखा है, हम लिखा है, वे लिखा है, ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, तो फिर एक रूल अप्लाई करना है। वो रूल क्या रहेगा, रूल में सबसे पहले याद रखें, आपको जो भी नाम दिया होगा, चाहे वो नाउन दिया हो या फिर प्रोनाउन दिया हो, उसको सबसे पहले लिख लेना है। प्लस उसके बाद तुरंत बाद आपको वी टू फॉर्म यूज करना है। जब ने लगा होगा तो वी टू फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, देन उसके बाद जितना भी सेंटेंस बचेगा वो ऑब्जेक्ट में आएगा, तो उसको लिख देना है और आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ, कुछ चीज़ें और नोट कर लेना आप। जैसे वह लिखा होगा तो ही यूज करना है। ठीक है, उसने लिखा होगा, उसने, उसने के लिए ही या फिर सी यूज करना। ठीक ना, वे लिखा है तो दे यूज करना, टी एच ई वाई, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं लिखा है तो आई यूज करना। ठीक है, या फिर हम लिखा है तो वी यूज करना, हम तो वी। ठीक है, तुम लिखा है तो यू यूज करना पड़ेगा आपको, ये सब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक ना, राम होगा तो नाम होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, संज्ञा जब रहेगी तो किसी ना किसी का नाम होगा, तो उसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो प्रोनाउन होगी, अगर आपसे नहीं बनता तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, दोनों लिखा तो बोथ यूज करना पड़ेगा, दोनों का क्या होगा, बोथ, बोथ मतलब वो दोनों था। ठीक है, तो चलिए अब हम सेंटेंस मेकिंग में आते हैं। तो रूल सिर्फ आपको क्या याद रखना है, जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, नाउन दिया हो या प्रोनाउन दिया हो तो उसको लिखिए, देन उसके बाद प्लस लगाइए। प्लस लगाने के बाद तुरंत ही वी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। देन उसके बाद जितना भी सेंटेंस में बचेगा उस ऑब्जेक्ट को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राम ने अंग्रेजी पढ़ाई, राम ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो ये राम जो है आपका क्या है, नाउन है, संज्ञा है, किसी का नाम है। फिर ये देखिए, यहाँ पे आपको मिल गया ने, सेंटेंस में ने मिल गया। ठीक है, फिर ये अंग्रेजी और पढ़ाई, इसमें से आप वर्ब कैसे जानेंगे, तो जो लास्ट में लिखा रहेगा वो आपका वर्ब होगा, क्या होगा, वो आपका वर्ब कहलाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो बचा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद अगर होता तो वो हमारा अदर वर्ड कहलाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट में हम इसकी मार्किंग करें तो कैसे होगा, आपको नंबर फर्स्ट पे इस वर्ड को लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको वर्ब बोला वी टू वर्ब, तो आपको देखो सेंटेंस मेकिंग करना है इंग्लिश में, तो आपको वर्ब की सभी फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन यदि राम ने अंग्रेजी पढ़ाई यानी संज्ञा सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद अगर ने बसाए तो आपको वी टू फॉर्म बसाना चाहिए, सभी वर्बों का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, जैसे गो हो गया तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट, और थर्ड होता है गॉन। ठीक है, ईट हो गया तो ईट का, ईट अगर है तो ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तब ऐसे सेंटेंस को आप मेक कर पाओगे। तो देखिए, इसमें मार्किंग करते हैं, तो नंबर फर्स्ट पे आएगा राम, तो सेकंड फॉर्म पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे बर पढ़ाई। ठीक है, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ने का कोई यूज नहीं है, ने काहे के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस, इसके साथ वर्ब जो यूज करना हो कौन सी होगी। हाँ, अगर देखा जाए तो एक किस टेंस में है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें दिया है सेकंड फॉर्म, तो टेंस कौन सा कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इनडेफिनेट दिया है। ठीक ना, पूरे के पूरे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम यहाँ यूज करेंगे, तो राम ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो ये पास्ट इनडेफिनेट है। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको टेंस का ज्ञान है, लेकिन यदि किसी को टेंस का नॉलेज नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसके थ्रू अगर वर्क करता तो भी वो बना लेगा सेंटेंस को। ठीक ना, हिंदी आई मन में, राम ने अंग्रेजी पढ़ाई, या कि राम ने खाना खाया, मैंने गाना गाया, उसने अंग्रेजी सीखी, तो लास्ट में क्या आ रहा, ने आ रहा, तो ने से आपको सेंटेंस पकड़ में आ जाएगा कि ये टेंस कहाँ का है, ये सेंटेंस किसका है। ठीक है, टेंस कहाँ का है, सेंटेंस किसका है, ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे।
तो यहाँ पे राम ने अंग्रेजी पढ़ाई में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस कहाँ का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आपको टेंस से बहुत मतलब नहीं रखना है, सीधे हिंदी से इंग्लिश बनाना है। चलिए मेक करते हैं, ठीक है। तो सभी चीजें की राम के लिए आप यूज करेंगे राम, लिख दिए राम, देन उसके बाद वी टू फॉर्म आना है, तो पढ़ाई, पढ़ाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टॉट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म यूज है, टीच, टॉट, टी ए यू जी एच, ठीक है, टी ए यू जी एच टी, टॉट, टॉट मतलब होता है पढ़ाया या पढ़ाई, ठीक है, और टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। राम टॉट क्या, इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, आगे समझ में, ठीक है। उसने गाना गाया, तो उसने, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लू, उसने गाना गाया, अब यहाँ पे भी देखोगे आप तो इसमें देखो सेंटेंस में ने आ गया, ने है ना, अब जब ने यूज हुआ है तो ने ये बताता है कि सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसने के लिए वर्ड क्या यूज करोगे, चाहे आप ही यूज करो या शी, लड़का या लड़की, तो यहाँ लिख दीजिए ही या फिर शी, कोई भी एक यूज कर लेना है, शी, अब यहाँ गाया, अब गाना का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सी सिंग सैंग संग, तो सैंग और सी सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये तुरंत पहचान में आ गया सेंटेंस, ठीक है। तो कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं, चार क्वेश्चन लिए हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, तो आप वो करिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, लड़कों ने किताब पढ़ी, यहाँ लड़का क्या है, ये नाउन है आपका, और यही आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा नाउन या प्रोनाउन में, देन किताब आपकी ऑब्जेक्ट होगी, लास्ट में जो दिया है आपका क्या है, वर्ब है, ये वी टू फॉर्म है, ठीक है, और ये किताब क्या हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ने आपको बताएगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो चलिए इसको मेक करते हैं, तो वही रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको, रूल क्या रहेगा, नाउन आई या प्रोनाउन उनको लिखिए सबसे पहले, देन उसके बाद वी टू फॉर्म यूज करिए, देन ऑब्जेक्ट यूज करके अदर वर्ड, अगर सेंटेंस में दिया हो अदर वर्ड तब, अदरवाइज जैसा सेंटेंस वैसा आपका आंसर रहेगा। तो आंसर क्या आप लिखोगे, लड़कों, तो लड़कों के लिए क्या हो जाएगा, बॉयज, बॉयज, लड़कों ने किताबें पढ़ी, तो बॉयज, पढ़ना का मतलब होता है रीड, रीड, रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है, रीड मतलब पढ़ना, तो तीनों फॉर्म रीड के सेम, बॉयज रीड बुक्स, ठीक है, बुक्स, यहाँ पे किताबें लिखा है, प्लूरल है, इसलिए यस का यूज किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दोनों ने खाना खाया, तो अब दोनों में यहाँ पे जो आपका ये दोनों है, ये भी ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, तो दोनों के लिए यूज क्या करेंगे आप, बोथ, ठीक है, ठीक है, ये प्रोनाउन है आपका, ठीक है, देन खाया, तो ईट एट होता है, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट चला गया, खाना मतलब क्या, फूड, ठीक है, और ये आपका ने बता ही रहा कि सेकंड फॉर्म यूज करना है यहाँ पे, देन फिर से पुट करिए यहाँ पे, तो सेंटेंस में आप लिखेंगे सबसे पहले बोथ, बोथ एट, ठीक है, बोथ एट फूड, दोनों ने खाना खाया। अगला, उसने राम को कलम दी, तो यहाँ पे उसने जो आया ये प्रोनाउन है, और उसने के लिए यूज क्या करेंगे आप, ही यूज करिए या फिर सी यूज करिए, कोई भी, यू कैन यूज एनी वन, देन उसने रोहन को कलम दी, तो लास्ट में जो है ये आपका वर्ब बनेगा, तो देना, देना का है मने होता है, देना होता है गिव, गिव, गेव और गिवन होता है, ये वर्ब होते हैं, गिव गेव गिवन, ये थर्ड फॉर्म, तो आपको वी टी यूज करना है, और उसका रीजन ने आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसने रोहन को कलम दी, तो यहाँ पे आपका आया गिफ्ट की जगह है गेव, कलम, कलम के लिए आप क्या यूज करेंगे, पेन, ठीक है, कलमे नहीं लिखा तो आप पेन यूज करें, और रोहन ये आपका बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए मेक करते हैं सेंटेंस, पहले ही या शी में से कुछ भी, तो मैं लिख लिया शी, फिर वर्ब आएगा, यहां से पूरा चलते आना, शी गेव, शी गेव राम, उसने राम को क्या दिया, अ पेन, ठीक है, ये आपका नंबर फर्स्ट बना, सी ये सेकंड बन गया, सी गेव किसको दिया गया है, राम को क्या दिया गया है, एक पेन, ये आपका फोर्थ बना,
ठीक है, सी गेव राम अ पेन, उसने राम को कलम दी या कि एक कलम दी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको देता हूँ चार क्वेश्चन, इनके आंसर आपको सेंड करना है। पहला है शिक्षक ने गणित सिखाया, ठीक है, ये आपका वर्ब है, वी टू यूज करना है। तो आपको पहले सिखाना कि क्या होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, लर्न होता है इसका सेकंड फॉर्म, यू कैन यूज। छात्रों ने पत्र लिखा, यहाँ पे वर्ब है। दोनों ने क्रिकेट खेला, यहाँ पे वर्ब है। उसने मोहन को चाय दिया, यहाँ पे वर्ब है। बाकी आइडेंटिफाई करने के लिए ने आया है, आप देख लो, और यहाँ पे भी ने आया है। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन यूज करके आप इसका ट्रांसलेशन करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।